निवेदन रहने वाला भैया बेस मॉडल LXI का रहेगा पेट्रोल में। हाँ जी भैया आया BR01 पटना से। कोई कस्टमर ये गाड़ी देख के भी डर रहा होगा क्या कर दिया। कंप्लीट फ्रंट से टॉप मॉडल बन चुकी है गाड़ी, टॉप मॉडल वाली जेन्युइन मारुति का पार्ट है। DL प्रॉपर वर्किंग भी करेगा। 2200 रुपए की फॉग लाइट, उसमें LED कॉस्टिंग अलग से आती है अपनी। 23000 रुपए विद इंस्टॉलेशन आप आगे करवा जाओ। जेन्युइन मारुति का पार्ट अलॉय रहने वाला है। 24000 रुपए विद इंस्टॉलेशन। तीनों पे भैया 51% ऑफ रहेगा। लॉक मिरर फोल्ड, हाँ जी गाड़ी अनलॉक मिरर अनफोल्ड, 10500 विद इंस्टॉलेशन। लेदर रैप कर दिया है भैया का, ये वाला रहेगा लाइफ टाइम गारंटी विद हाई सपोर्ट। आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाने वाला 2500 रुपए का स्टीयरिंग रहेगा। सनग्लास होल्डर लगा दिया भैया का, मारुति जेन्युइन पार्ट। 3300 रुपए का विद इंस्टॉलेशन। अपंग लॉडेडल 900 भैया विथ 360 डिग्री कैमरा, ठीक है। और अभी कैलिब्रेशन चल रहा है, इसलिए कैलिब्रेशन मैंने यहाँ पे नोट्स लगाए हुए। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ अभी तिवारी कार एक्सचेंज सीरीज करोल बाग में, और अगर अपने सामने खड़ी है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। बिट्टू भाई से मिलते हैं। बिट्टू भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भैया। कहाँ से गाड़ी आई है, कौन सा वेरिएंट रहने वाला है? ब्रेजा रहने वाला भैया, बेस मॉडल LXI का रहेगा पेट्रोल में। हाँ जी भैया आया BR01 पटना से, तो यहाँ पे आप नंबर जो है वो चेक कर सकते हो। BR01 पटना नंबर जो है वो रहने वाले, मतलब एक अच्छी दूरी से जो है गाड़ी आ रही है हमारे पास। अच्छे डिस्टेंस आया, अच्छा काम करवाने के लिए आए हैं। ठीक है, क्या कुछ हो रहा है इस वाली गाड़ी के अंदर? अभी आप देखोगे फॉग लैंप लगाएंगे भैया, बिफोर लुक रहेगा, फॉग लैंप रहेगा इसके अंदर अभी। ठीक है, मिंडा वाली मिंडा की, उसमें 110 वॉट की LED। ओके, हेडलाइट चेंज होगा टॉप मॉडल वाला। ओके, तो ये अपनी बेसिक देख रहे हो भैया जी। फ्रंट रियर स्किड प्लेट अभी चेंज होना बाकी है। तो ये ब्लैक कलर का इंसर्ट जो कि आपको बेस में मिलता है, इसमें सिल्वर कलर की स्किड प्लेट लगेगी। मारुति जेन्युइन रहने वाली है, बिल्कुल अलॉय चेंज हो गया जेन्युइन मारुति का, 24000 रुपए विद इंस्टॉलेशन। ठीक है जी, इस साइड में लग गए हैं, बाकी है उस साइड में भी लगना बाकी है। बिल्कुल साइड से आएंगे भैया गाड़ी के अंदर, ORVM चेंज हो चुका है बेसिकली, ऑटो फोल्ड वाले अपने कर चुके हैं। ये बॉक्सेस जो हैं इसके यहाँ पे रखे हुए हैं। हाँ जी, गाड़ी के अंदर प्रॉपरली डैम्पिंग चल रही है। हाँ जी, तो बिफोर लुक जो है वो रहने वाला है। इनर हैंडल चेंज कर दिया है, ये अपना क्रोम इंसर्ट, ORVM स्विच लगा दिया है, ये आप चेक कर लीजिए, ये भी जेन्युइन रहेगा अपना, जेन्युइन मारुति का बिल्कुल। ठीक है, साथ में स्टीयरिंग चेंज हो गया है LXI वाला, इसमें स्टीयरिंग कवर लगा रहे भैया का। तो डुअल टोन में जो है इसको मून डिजाइन के साथ कन्वर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल जेन्युइन मारुति वाला किट लगा दिया अपना, LXI एसेसरीज वाला जो आता है आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये इंस्टॉल हो चुकी है। और सिस्टम वगैरह कौन सा रहेगा अपना? सिस्टम इसमें लगेगा ब्लॉपंग लॉडेडल 900 विद 360 कैमरा के साथ। 360 सेटअप कंप्लीट है वो रहने वाला है। स्पीकर वगैरह? स्पीकर भैया JBL के लग रहे हैं, बेसिक वाले लग रहे हैं भैया। ठीक है, आगे कॉम्पोनेंट, पीछे कोएक्सियल, साथ में पीछे हेडरेस्ट लगेगा, फ्लोरिंग होगा, आर्मरेस्ट लगेगा, रूफ रेल लगेगा। ठीक है, रूफ रेल कौन सी चिपकाने वाली रहेगी? चिपकाने वाले, ड्रिल वाली नहीं लगा रहे। ठीक है, चिपकाने वाली लगाएंगे। साथ में अगर बैक साइड में आओगे तो पूरी गाड़ी खुल चुकी है A to Z। यहाँ पे आप देखोगे सारी सीटें वगैरह सब कुछ जो है वो निकला हुआ है। सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो भी रहने वाला है। कोई कस्टमर ये गाड़ी देख के भी डर रहा होगा क्या कर दिया, पूरी गाड़ी नहीं खोल दी है लेकिन पूरी गाड़ी एज इट इज पैक होगी। आप देखोगे तो प्रॉपर तरीके से काम होगा। एंड्रॉइड एक ब्रांड का लगा रहे हैं, कैमरा लगा रहे हैं, ORVM चेंज हो गया है, अलॉयज लगा रहे हैं, पूरी गाड़ी कन्वर्ट हो रही है बेसिकली। और ये एम्बिएंट लाइट वगैरह भी है, एम्बिएंस K4 लगने वाली है, आपका वेलकम प्लेट लगेगा, आफ्टर मार्केट भी लगवा रहे हैं, डैशबोर्ड किट लग रहे हैं, स्टीयरिंग चेंज हो चुका है। ये वाला जो है वो चेक कर लीजिए प्रॉपर हब वगैरह के साथ। सनग्लास होल्डर चेंज लगेगा। ठीक है, हाइपरसोनिक के 360 कैमरेज लगने वाले हैं, ये आप किट जो है पूरी आती है वो लगने वाली है। आर्मरेस्ट हमने खोल दिया, आर्मरेस्ट चेंज होगा। ठीक है, जर्मन वाला लगेगा, जर्मन वाला बिल्कुल सारा काम होने वाला, जो होता है बेस टू टॉप में जो भी होता है, एक अच्छे लेवल का जो काम है वो सब कुछ आपको इस वाली कार के अंदर देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पे आप देखोगे डैम्पिंग जो है वो हो चुकी है डुअल लेयर वाली, और अभी आगे की तरफ करी जा रही है। बिल्कुल, साथ में बूट लाइट लगाएंगे, आप देखोगे ये वायरिंग हो गई इसकी, ये बिफोर लुक अपना रहने वाला है, और ये भी जर्मन जो है वो जर्मन मारुति रहेगा। बिल्कुल, नीचे आप स्किड प्लेट जो है बिफोर लुक में चेक कर सकते हो, ये भी लगेगी, रिफ्लेक्टर भी है, रिफ्लेक्टर भी है। ठीक है जी, तो एक अच्छे लेवल का काम जो है वो सारा कुछ इस वाली गाड़ी के अंदर रहने वाला है। तो अभी एक बार कंप्लीट होने दें, फिर आपको दिखाते हैं। बिल्कुल। A few moments later. तो दोस्तों अपनी पटना वाली गाड़ी जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। तो बिट्टू भाई इसमें क्या कुछ अपडेट किया आपने? भैया कंप्लीट फ्रंट से टॉप मॉडल बन चुकी है गाड़ी। तो यहाँ पे आप देखने के बाद पहचान नहीं पाओगे कि ये बेस था कि कौन सा वेरिएंट था। सबसे पहले अपने हेडलाइट चेंज कर दिया, टॉप मॉडल वाली जेन्युइन मारुति का पार्ट है, डुअल प्रोजेक्टर DRL। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, सेम जिस तरीके से सेटअप वर्क करता है वैसे वर्क करेगा यहाँ पर। बिल्कुल, आप देखोगे यहाँ पे अपना DRL प्रॉपर वर्किंग भी करेगा। ठीक है जी, साथ अपना इंडिकेटर ये भी प्रॉपर फ्लोर जो है वो अपना करने वाला है। ठीक है भैया। ठीक है जी, साथ में अगर इसकी लाइट का रिस्पॉन्स देंगे प्रॉपर, हाई बीम लो बीम वर्क करेगा ये, आप सामने रिस्पॉन्स जो है वो चेक कर सकते हो। प्लेन रोड पे आज हम आपको चेक करवा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का जो है प्रॉपर रहने वाला है। ओके जी, इसके अलावा भैया साथ में लगा दी भैया मिंडा की फॉग लाइट, मिंडा की फॉग लाइट लगा दी भैया। ठीक है, 2200 रुपए की फॉग लाइट, उसमें LED कॉस्टिंग अलग से आती है अपनी। इसमें कितने वॉट डाली है? 110 वॉट की, 110। हाँ जी, साथ में फॉग लाइट में गार्निश लगा दी, 650 लेस 51% ऑफ, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया, हेडलाइट तो मैं बता चुका हूँ, 23000 रुपए विद इंस्टॉलेशन आप आगे करवा जाओ। साथ में ग्रिल गार्निश लगा दी, 690 लेस 51% ऑफ, कंप्लीट जो है वो अपना रहने वाला है। साथ में स्किड प्लेट लगा दी अपना आगे पीछे दोनों, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिल्वर कलर का जो इंसर्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट और बैक दोनों ही पोर्शन रहने वाले हैं 1600 रुपए में, 1600 रुपए में आगे पीछे दोनों। फ्रंट से ये काम था, अगर आप देखो तो बेस टू टॉप के अंदर 23000 की हेडलाइट,
2200 की फॉग लाइट, उसमें एलईडी कॉस्ट अलग से, स्किड पेट 1600, ग्रिल गार्निश 690 पे 51% ऑफ और फॉग गार्निश 650 पे 51% ऑफ। और साथ में यहाँ पे कैमरा लगा है, फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बिल्कुल, तो ये रहने वाला, आप साइड वाले पोर्शन पे आते हैं और आपको दिखाते हैं। साइड प्रोफाइल लगा भी अलॉय व्हील्स, जेन्युइन मारुति का पार्ट अलॉय रहने वाला है। ये आप यहाँ पे देखें, कैलिपर रेड पेंट जो है वो किया गया है। 24,000 में विद इंस्टॉलेशन, ठीक है जी, 24,000 में आपकी गाड़ी में लगा देंगे, विद इंस्टॉलेशन करके दे देंगे, आपके नेम हम ले लेंगे, अगर आप लेके जाओगे तो 1,000 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक, दोनों ऑप्शन है आपके, दोनों ऑप्शन है। फेंडर गार्निश लगा दी कॉम्प्लीमेंट्री अपना, हाँ जी, साथ में अपने रियर व्हील आर्च लगा दिया, 2350 लेस 51% ऑफ, और ये सिल्वर वाली जो है वो रहने वाली है। बिल्कुल, साथ में भैया डोर वाइजर लगा दिया है, भैया का मारुति जेन्युइन पार्ट, ये आप यहाँ पर माउंटेन चेक कर लीजिए। विंडो गार्निश लगा दिया है, मारुति जेन्युइन पार्ट, 6 पीस वाली है अपनी, अपनी साइड बिडिंग लगा दी है मारुति जेन्युइन पार्ट, ये भी अपनी दो माउंटेन वाली जो है वो रहने वाली है। तीनों पे भैया 51% ऑफ रहेगा, भैया हमारी लिमिट 51% तक ही रहेगी, ठीक है। आपको जल्द, अगर आप 80% के पास जाना चाहते हैं ना, तो आपको जल्दी ही आपको 95 या 100% भी देंगे, आप टेंशन मत लो। हाँ जी, अगर आप लिटरली 80% के साथ जाना चाहते हो तो कुछ दिन और रुको, आपको 100% मिलेगा वो चीज। बट ध्यान आपको ये रखना है कि अब यहाँ पे एक बात बहुत सिंपल से आ जाती है कि कंपनी जो मारुति दे रही है 80% डिस्काउंट, वो 80% थोड़ी दे देगी, कहाँ से दे रही है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल, 51% ऑफ भैया तीनों पार्ट्स पे अपना रहेगा, जनरल मारुति का पार्ट है। हाँ जी, साथ में रूफ फील्ड लगा दिया भैया का, प्रॉपर सिलिकॉन, प्रॉपर पेस्टिंग के साथ है, ये अपना देख सकते हो भैया अंदर बैठे हैं, पूरा चेक कर दिया। हम इसमें सिलिकॉन लगाना बंद कर चुके हैं भैया, क्योंकि वो 3M की खुद की पेसिंग बहुत अच्छी आती है। हाँ। ठीक है, वो बेकार चीज लगाने का फायदा नहीं है, जब चीज बेकार हो जाए, ठीक है, आपको ये बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, आप देखो भैया बैठे हो, मैं गाड़ी हिला के दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, साथ में चिपक चुका है बिल्कुल। साथ में भैया पीछे जाएंगे तो रियर मिड गार्निश, रियर मिड गार्निश अपनी यहाँ पे जो है वो रहने वाली है, पियानो ब्लैक फिनिश, 690 लेस 51% ऑफ। ओके, रियर रिफ्लेक्टर लगा दिया, स्कैनिंग मोड, ये आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, इसमें आपको इंडिकेटर, पार्किंग और ब्रेक तीनों वर्क करेगा। रियर स्किड प्लेट लगा दिया, आगे पीछे दोनों 1600 रुपए का आता है, ये सिल्वर वाला जो इंसर्ट है वो आपको अंदर की तरफ देखने को मिल जाएगा। एक रियर गार्ड लगा दिया भैया, प्रॉपर बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी, साइड मिरर रह गया, उस पर कैमरा रह गया है, और रियर कैमरे की रिवर्स कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ की गई है, ठीक है। अपने साइड प्रोफाइल देंगे, एक ओआरवीएम पे वर्किंग हुई थी, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ओआरवीएम जो है वो चेंज किया गया। हाँ जी, मिरर चेंज अभी है, टॉप मॉडल लगाए हैं, गाड़ी लॉक, मिरर फोल्ड, हाँ जी, गाड़ी अनलॉक, मिरर अनफोल्ड, 10,500 विद इंस्टॉलेशन, प्रॉपर वर्किंग, प्रॉपर वर्किंग के साथ 10,500 में आपकी गाड़ी में लगा के दे देंगे आपकी, आपका मिरर। वो मैं नया मिरर की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई मोटर की बात नहीं कर रहा, वो जुगाड़ की बात नहीं कर रहा, ठीक है, नया मिरर लगा देंगे। हाँ जी, डब्बा खोलकर आप लगवा लो, आपका मिरर आपको वापस कर देंगे, नया मिरर की बात हो रही है, पुराने मिरर की भी नहीं, ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पे भी अगर मोटर लगवाते हो सस्ता पड़ता है, बट मोटर नहीं, आपकी गाड़ी में मिरर लगा दूंगा, पुराने मिरर होंगे, 7,000 रुपए विद इंस्टॉलेशन, ठीक है जी। मिरर भी बिल्कुल नई कंडीशन जैसा होगा, लेकिन होगा पुराना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मोटर में ये है कि आप कुछ टाइम बाद उसमें कंप्लेंट, वो पुरानी चीज होती है, अभी एक्सीडेंटल गाड़ी की चीज होती है, समझ लो ये सब कुछ भी आप समझो। हाँ जी, नई चीज तो नई चीज ही रहती है, नई चीज की फीलिंग नई चीज वाली आती है। बाकी यहाँ पे कैमरा जो है साइड कैमरा, वो आपको प्लेस देखने को मिल जाएगा। कैमरे की भी प्रॉपर कैलिब्रेशन अभी होनी है, ये भी बाकी है। हाँ भैया आए हुए हैं, थोड़ा वेट कर अपनी वीडियो का, ठीक है, इसकी कैलिब्रेशन भी करेंगे वो। ओके, चाबी बना दी है 500 रुपए के अंदर, ये फ्लिप की जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मूव करते हैं कार के इंटीरियर के अंदर और इंटीरियर से दिखाते हैं क्या कुछ रहने वाला है अपना। सबसे पहले दरवाजे पे लेदर रैप कर दिया है भैया का, कॉफी कलर का जो है इंटीरियर आपको इस वाली कार में देखने को मिलेगा, चेक कर लीजिए। दो तरीके का इंटीरियर होता है भैया, अगर किसी भाई को OEM के लुक जाना है तो वो कॉफी आपको ज्यादातर मिलेगा, क्योंकि जो अपना डैशबोर्ड आता है वो जनरली कॉफी ही आता है, चाहे बेसिक वाली की बात करो या एक्सेसरीज वाली की बात करो, तो इसलिए यहाँ पे आपको कॉफी ज्यादातर अपने पास मिलता है, क्योंकि यहाँ पे OEM पार्ट ज्यादा लगते हैं, OEM पे फोकस ज्यादा रहता है, ठीक है। सबसे पहले सीट को भैया का लगा दिया फुल बकेट थाई सपोर्ट के साथ, और ये भी कॉफी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ अपना प्रॉपर रहने वाला है, आप चेक कर लीजिए किस तरीके की फिट फिनिश जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, प्रॉपर हेडरेस्ट के साथ, लाइफ टाइम गारंटी वाला रहेगा, लाइफ टाइम गारंटी विद थाई सपोर्ट आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाने वाला है, और ये कई बार हम लोग दिखा भी चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सीट कर हो गया, साथ में जनरल मारुति का आर्मरेस्ट हो गया 2500 विद इंस्टॉलेशन, और उसके ऊपर भी सेम कॉम्बिनेशन की अपहोल्स्ट्री लगा दी गई है, फ्रंट यूएसबी लगा दी है 1200 रुपए की, ये आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, रियर यूएसबी लगा दी 1500 रुपए की, इसको भी आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे अपनी कंप्लीट रहने वाली है। हमारे पास ऐसा नहीं होगा, मैं आपको फ्रंट का 500 बोल दूँ, रियर का 800 बोल दूँ, जब आप आओ तो भैया खत्म हो चुका है, सॉरी ऐसा नहीं होगा, जो प्राइस है वही रहेगा और हमेशा रहेगा पार्ट, ठीक है। आप जब मर जाओ 15 अगस्त को भी आपको पार्ट मिलेगा। ओके, हाँ जी, साथ में फ्लोरिंग कर दी भैया क्रोकोडाइल वाली, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ है, प्रॉपर डाई वाली फ्लोरिंग कर दी गई है बिल्कुल, और उसके ऊपर अपने क्यूपो मैक्स वाले जो मैट्स हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। साथ में डैशबोर्ड किट लगा दी भैया जेन्युइन मारुति का, एसेसरीज वाला पार्ट, ये आप वुडन टेक्सचर जो देख रहे हो ये कोई पेंट नहीं किया गया, ना ही कोई नक्का खोल के इसको रिप्लेस किया गया है, प्रॉपर OEM जो है वो रहने वाला है, और ये भी अपना 7 पीसेज में आता है, 2 पीस आपको डैशबोर्ड के ऊपर मिल जाएंगे, 1 पीस यहाँ पर है और 1 पीस आपको यहाँ पे मिल जाता है, और 4 पीस आपको दरवाजों में
जो है वो देखने को मिल जाते हैं और एक पीस नागिन वाला रहेगा। इसकी कॉस्टिंग में 7,500 रुपए आती है विद इंस्टॉलेशन। हाँ जी, बेसिक 2500 वाला, हाई ड्यूटी वाला 5500 रुपए का आता है, तो हर रेंज के अंदर अवेलेबल है। 900 रुपए का इनर हैंडल रहने वाला भी चारों पार्ट। हाँ जी, अपना दरवाजे पे लेदर रैप कर दिया ताकि थोड़ा इंटीरियर बन के निकल के आने के लिए। और लुक आप यहाँ पे ले लीजिए किस तरीके का आता है। साथ में भैया एक वेलकम प्लेट लगा दिया आफ्टर मार्केट वाला। ये अपना ब्रेजा की प्रॉपर बैजिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल, साथ में भी अंदर स्टीयरिंग चेंज कर दिया है, जेडएक्सआई वाला लगाया है, जेडएक्सआई प्लस वाला नहीं, जेडएक्सआई वाला 2500 रुपए का स्टीयरिंग रहेगा। तो ये आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, इसके ऊपर डुअल टोन रैपिंग जो है वो करी जाती है अपनी, और कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कैसा आने वाला है। सनग्लास होल्डर लगा दिया भैया का मारुति जलन पार्ट, 3300 रुपए का विद इंस्टॉलेशन, विद एलईडी लगा दिया 3300 रुपीज। ठीक है जी, ये अपना प्रॉपर वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा, सामान मिल गया, ट्राई भी अपना हो चुका है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं नीचे की तरफ सिस्टम की अगर हम बात करें। ब्लॉपंग लॉडेडल 900 भैया विद 360 कैमरा। ठीक है, और अभी कैलिब्रेशन चल रहा है इसलिए कैलिब्रेशन मैंने यहाँ पे नोट्स लगाए हुए। ठीक तो है, आप भी हाँ मोस्टली हर आपने हमारी गाड़ी में देखा होगा ब्लॉपंग का लगाते हो, इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ जी, 4GB रैम है, 32GB मेमोरी है, विद क्वाड कोर प्रोसेसर रहेगा भैया, विद 360 कैमरा लगाया इसके अंदर। दो साल की इसमें वारंटी जो है, दो साल की वारंटी ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगी, विद GST बिल मिलेगा आपको ये। ओके, तो सब चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। एक एम्बिएंट लाइट जो है वो भी लगी है, उसको भी आप लोगों को दिखाया था मैं। इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे डैशबोर्ड के ऊपर, डोर पैनल्स के ऊपर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कितने पीस रहेगी बिट्टू भाई? 10 पीस भैया, चार दरवाजे, चार दो डैशबोर्ड, चार अपने फुट में, और 4 फुट में जो है वो आपको यहाँ पे फुट बेल्ट में देखने को मिल जाएगा। ये मोड के हिसाब से रनिंग कर रहा है, अलग अलग कलर मोड करता है। ठीक, बाकी K4 की कॉस्टिंग 6500 रुपए, K3 की कॉस्टिंग 5500 रुपए रहने वाली है, रहने वाली है। ठीक है, पीछे देखेंगे यहाँ पे अपने हेडलाइट्स जो है वो लगे हैं, दोनों ही 1000 रुपीज कॉस्टिंग के साथ रहने वाले हैं। तो यही सब काम हुआ है, स्पीकर नहीं बताया आपने कौन से लगे। गाड़ी में प्रॉपरली ये भी डैम्पिंग 8 सीट की, हाँ अपनी, और साथ में हमने आगे लगाया JBL के स्पीकर लगाए थे, फिर मॉडरेट सीरीज लगाई थी, आगे कॉम्पोनेंट, पीछे को एक्सेल। तो ये सब काम जो है वो रहने वाला है। अब कैलिब्रेशन गाड़ी की हो रही है और गाड़ी का काम जो है अपना प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल, काफी छोटी छोटी चीजें होगी जो हम भूल जाएंगे, जैसे बूट लाइट होगी, एक दो चीज और भी होगी। हाँ, बाकी कंप्लीट फुल पैकेज बनी है गाड़ी, ZXi बेस फुल टॉप फुल कर दिया गया काम। बिल्कुल, इसमें कुछ भी आप नहीं बोल सकते हमने जो छोड़ा हो। ठीक है, ऑलमोस्ट सब डन हो गया। बिल्कुल, कुछ एक आध चीजें होंगी जो शायद से छूट रही होंगी, वीडियो में हम भूल जाएंगे, गाड़ी में तो नहीं छूटी होगी। ओके, तो हम चलते हैं कार के ओनर की तरफ। तो कार की सभी एक चीज बिट्टू भाई ने हमें दिखा दी है, अब मिलते हैं कार के ओनर से, जानते हैं सर कैसा फीडबैक आता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, सबसे पहले नाम बताइए अपना। मुकेश कुमार, बिहार से। बिहार से, यहाँ के बारे में कैसे पहचान आपको? YouTube से भैया, वीडियो वगैरह देख करके। जी जी हाँ। तो जितनी चीजें आपको चाहिए थी अपनी कार के लिए सब चीजें यहाँ पे मिल गई हैं आपको? जी हाँ, सब मिल गई। अब ये बताइए कि जितनी चीजें आपने अपनी गाड़ी के अंदर लगवाई है सब कैसा लगा काम आपको? सब बहुत बढ़िया भैया। कहीं कुछ कमी लगती हो? नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, ओवरऑल सब कुछ बढ़िया आपको मिल बढ़िया जाता है। 10 में से नंबर देना हो कितने नंबर देना चाहोगे? 10 दे देंगे, और कोई दिक्कत नहीं भैया, सब कुछ मतलब अपना बढ़िया से हो गया है। बिहार वाले भाई कोई देख रहा है उसके लिए कोई रिकमेंडेशन वगैरह? उसको भी भैया को बोलूंगा कि आप भी आइए एक बार ट्राई करके देखिए। पर लॉन्ग टूर है थोड़ा ज़्यादा। हाँ जी, लॉन्ग टूर ज़्यादा है। हाँ लॉन्ग तो है, कितना किलोमीटर होगा? 1100 है। 1100 मतलब आना जाना 2200 किलोमीटर का, एक दिन से ऊपर का काम जो है वो रह जाता है। वो अब एक दिन में तो आना तो आ ही सकते हैं, पर नया गाड़ी जितने जो लिए भैया आ सकते हैं। हाँ, अपना मॉडिफाइड करवा सकते हैं। ठीक है, आपका रिकमेंडेशन जो है वो मिलता रहेगा। हाँ, बजट बता दीजिए, कितने बजट में गाड़ी का काम हुआ है? ऐसे ही वो अभी देखते हैं, लाख डेढ़ लाख के आसपास है। डेढ़ के आसपास जो है वो सामान जैसे जैसे याद आया वैसे वैसे, मतलब अभी बिल्डिंग नहीं हुई है अपनी। हाँ। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, और आप वीडियो देखकर यहाँ तक आए उसके लिए बहुत धन्यवाद।